होता क्या है, सेक्रेट ज्योमेट्री क्या है कि हमारा ट्रस्ट है कि अगर हम नेचर में देखते हैं एवरीथिंग इज इन पैटर्न, ठीक है, हर चीज एक पैटर्न में है. आप फ्लावर्स देखेंगे, आप पेड़ पौधे देखेंगे, एक तरफ लीफ आती है तो दूसरी तरफ भी लीफ आती है. ऑब्जर्व द नीम ट्री, नीम की ब्रांचेस ऑब्जर्व कीजिए, दोनों का जो दोनों साइड लीव्स आती है छोटी बड़ी नहीं होती, एक पैटर्न में आती है. किसी भी फ्लावर को आप ऑब्जर्व कीजिए, वो भी एक पैटर्न में ग्रो कर रहे हैं. आप एक ह्यूमन फिगर को भी ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा एक हाथ छोटा और एक हाथ बड़ा नहीं होता, वी आर ग्रोइंग इन अ पैटर्न, राइट. तो जो सेक्रेट ज्योमेट्री है दैट इज द ट्रस्ट इन यूनिवर्सल शेप्स. जो यूनिवर्स में शेप्स है, जो यूनिवर्स के अंदर पैटर्न है, हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं. अभी तक यूनिवर्स में जो भी चीज एग्जिस्ट हुई है, ह्यूमन काइंड हैज यूज्ड इट एवरी इंच ऑफ इट फॉर इट्स प्रोग्रेस. इन अ सिमिलर वे दिस सेक्रेट ज्योमेट्री कैन ऑल्सो बी यूज इन फॉर मेनी मेनी पर्पसेस. ठीक है, हर जगह है, हमारे फिंगरप्रिंट्स में भी है. आप अपने फिंगरप्रिंट्स में देखेंगे तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है. ये पैटर्न कहाँ कहाँ नहीं है, आप खुद देखिए. आप खुद भी कुछ भी करते हैं तो वो पैटर्न में ही करते हैं. आपकी वर्किंग भी एक पैटर्न में ही है, राइट. दे आर फ्रेमवर्क फॉर क्रिएशन. कोई भी चीज क्रिएट होती है, दे प्रोवाइड द फ्रेमवर्क. आज हमारा एक स्केलेटन भी एक पैटर्न के अंदर ही तो बन रहा है. आज हम प्लानिंग करते हैं किसी चीज की, हम पहले उसको फ्रेमवर्क देते हैं, उसी के ऊपर तो हम अपना कुछ भी काम करते हैं, राइट. तो दे प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर एनीथिंग टू मैनिफेस्ट. तो अगर हम इस फ्रेमवर्क को लेकर चलते तो सोचिए हमारा कितना ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है हमारी मैनिफेस्टेशन. एंड इट ऑल्सो एंश्योर्स द अलाइनमेंट विद द यूनिवर्सल एनर्जीज, बिकॉज यूनिवर्स ने ऑलरेडी ये पैटर्न हमें दे रखे हैं. इट इज नॉट ह्यूमन काइंड विच हैज मेड दीज पैटर्न, दे आर ऑलरेडी अवेलेबल and they are given by the universe. Earth, जो पृथ्वी है वो गोल है, ठीक है. तो ये शेप जो है यूनिवर्स में, सारे स्टार्स अगर हम कहीं भी देखेंगे तो एवरीथिंग मूव्स इन सर्कल. तो ये सर्कल शेप है, ये गोल जो चीज है, ये एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न है और ये यूनिवर्स में दे रखा है. अगर आप देखते हैं स्पाइरल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप स्पाइरल देखिए, तो आप गैलेक्सीज की फॉर्मेशन देखिए, वो स्पाइरल में होती है, ऑलराइट. और हर चीज का एक मतलब होता है. अगर आप सर्कल को देखते हैं तो सर्कल से आप क्या समझते हैं, सर्कल इज यूज फॉर प्रोटेक्शन, होलनेस. कि किसी चीज को हमने कम्प्लीट कर दी तो अब वी आर होल सब. अगर हमें किसी चीज के उसके घेरे में आ जाते हैं ना, सर्कल इज अगेन फॉर प्रोटेक्शन पर्पस, रिन्यूअल. किसी भी चीज को आपको रिन्यू करना है तो सर्कल, कंटिन्यूस. कोई चीज कंटिन्यूएशन में आपको करनी है, आपका कोई प्रोजेक्ट है, यू वांटेड टू कंटिन्यू इट, आप चाहते हैं लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रहे, कुछ भी ऐसी हो, आपका रिलेशनशिप है लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रहे, तो फॉर दैट पर्पस कंटिन्यूटी, कॉस्मिक सपोर्ट, सर्कल इज द शेप, ज्योमेट्रिक पैटर्न विच वी कैन यूज इन अवर सेक्रेट ज्योमेट्री विद द हेल्प एंड दिस सेक्रेट ज्योमेट्री अचीव लॉट ऑफ रिजल्ट्स. प्लीज अनम्यूट, सॉरी म्यूट योर सेल्फ, थोड़ी डिस्टर्बेंसेस आ रही है. रामजी सर प्लीज म्यूट योर सेल्फ. फोकस एंड यूनिटी आर अनदर एस्पेक्ट ऑफ सर्कल, ओल्डेस्ट सिंबल टू बी यूज बाय ह्यूमंस. सबसे ज्यादा सिंपल है सेक्रेट ज्योमेट्री. जब हम ज्योमेट्री पैटर्न और अगर हम क्रिस्टल ग्रिड्स बनाते हैं तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि सिंपल से सिंपल पैटर्न ले. And these patterns really mean a lot because इन्हीं patterns, इन्हीं सबसे ज्यादा simple patterns को use करके intricate patterns बने हैं. They are the foundation, groundwork for the intricate patterns. ठीक है? It represents eternity, है ना? Eternity, एक बिंदु, बिंदु से ही सारा संसार बना है. तो it represents eternity. Celestial body of sun, moon, planet, earth. Sari celestial body, they are in shape of circle. It marks the clear boundary of protection. Protection amulets and talismans, bracelets, beads. देखिए जो beads भी होते हैं ना वो circle में होते हैं. अब देखिए इसकी importance देखिए क्या होती है. Beads जो होते हैं उसकी energy क्या, अगर हम जब हम उसको energize करते हैं तो सबसे पहले सारी energy जो हमारे हाथ से जो हमारी wish होती है सारी की सारी energy उसके बीच में जाती है. कहीं ना कहीं जैसे सन के अंदर एक ब्लास्ट होता है तो वो एनर्जी सारी मिलकर पहले अंदर कोर के अंदर ब्लास्ट करती है,
फिर उसके बाद वो चारों तरफ चारों दिशाओं में इक्वली फैलाती है. तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्फीयर जो सर्कल से आता है. ठीक है, तो ये होता है पर्पल सेक्रेट ज्योमेट्री का. नेकलेसेस, अगर हम नेकलेस पहनते हैं तो वो एक सर्कल, यू नो इट्स गिविंग अस द प्रोटेक्शन. हम हाथ में ब्रेसलेट पहनते हैं, व्हाट इज व्हाट इट इज डूइंग, देखिए ये भी सर्कल में आ गया ना. एंकलेट पहनते हैं, तो दीज ऑल थिंग्स मैटर. हर चीज एक पैटर्न में है, अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो हमें उसका यूज समझ में आएगा. देन नेक्स्ट पैटर्न इज दिस इज विसेशिया पाइसिस. ये क्या होता है, दो सर्कल आपस में एंट्विंड है. इसका मतलब क्या होता है दो सर्कल आपस में एंट्विन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है. इट रिप्रेजेंट सो सो मेनी थिंग्स. ये एंशियंट टाइम से यूज होता आया है, इसके मल्टीपल मीनिंग है. सबसे पहले आप ये देखिए कि जो दो सर्कल एक दूसरे में मिल रहे हैं तो एक ये फिश की फॉर्म दे रहे हैं, आई की फॉर्म दे रहे हैं. ठीक है, एक जब फायर बर्न होती है, अगर हम कैंडल बर्न करते हैं या दिया जलाते हैं, तो ये जो दिया है, दिए की जो शेप होती है, सॉरी लॉ की जो उसकी फ्लेम की शेप होती है, इट इज इन द शेप ऑफ दिस, राइट. तो इसका बहुत सारे मीनिंग है. ये इतनी इंपॉर्टेंट शेप है, हम इसको बहुत सारी हीलिंग में यूज करते हैं. स्पेशली हम इसको यूज करते हैं इन द हीलिंग ऑफ यूनियंस, इन द हीलिंग रिलेशनशिप हीलिंग्स. ठीक है, क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा ये आती है क्रिएटिविटी में. रीबर्थ, गॉडेस, ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू अपॉर्चुनिटी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड. स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहाँ से हम देखते हैं, जब वो जैसे लॉ होती है ना, लॉ की एक शेप होती है, तो जो लॉ की शेप है दैट इज शोइंग द स्पिरिचुअलिटी. हमारी जो आईज है दैट इज इन दिस शेप. जो हमारी आईज है, दीज आर दी विंडो टू अवर इनर सेल्फ. ठीक है, तो ये एक स्पिरिचुअलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, इनर वर्ल्ड, ये शेप ये शो करती है. नोन एज मैंडोला मीन्स एलमंड, है ना, एलमंड शेप में होती है. तो एलमंड देखिए कितना शेप को रिप्रेजेंट कर रही है, कि नेचर में भी हमें इस शेप में कितने सारे जो सीड्स होते हैं, ईच एंड एवरी सीड इज इन दिस शेप. पेटल्स, जो फ्लावर पेटल्स होते हैं, वो भी इसी शेप में होते हैं. तो कहीं ना कहीं शेप का कहीं ना कहीं तो रेलिवेंस होगा ना. ठीक है, स्पिरिचुअल फिजिकल वर्ल्ड एंड देयर यूनियन गेटवे. स्पिरिचुअलिटी और जो फिजिकल वर्ल्ड है उसका ये यूनियन है, और वही का गेटवे है टू द न्यू वर्ल्ड और द अदर डायमेंशंस. ठीक है, इसमें किसी को कुछ पूछना है? देन स्पाइरल, अगेन दिस शेप इज ऑल्सो वेरी वेरी कॉमन इन द यूनिवर्स. हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं स्पाइरल, हर चीज में. सबसे पहले आपके फिंगर टिप्स पे स्पाइरल आ जाता है, जिसका स्पाइरल शेप में होते हैं. ठीक है, जब हमारे जो हेयर होते हैं यहाँ पर एक स्पाइरल शेप में आते हैं, यहाँ से एक स्पाइरल शेप आ जाती है, तो ह्यूमन बॉडी में स्पाइरल शेप इतनी ज्यादा होती है. स्पाइरल शेप अगर हम देखें, जो हमारी एनर्जी मूव करती है टुवर्ड्स द नेवल, तो वो भी गोल्डन रेशो में स्पाइरल फ्रॉम आवर नेवल ऐसे मूव करती है. नेचर में देखें तो अगर इफ यू थ्रो अ स्टोन इन अ वॉटर, स्टिल वॉटर, तो जो उसके रिपल्स आएंगे, दीज रिपल्स आर इन द शेप ऑफ स्पाइरल, वो ऑटोमेटिकली स्पाइरल शेप में आते हैं. अगेन हेयर इन द पिक्चर यू कैन सी कि जो शेल है स्नेल का, दैट इज इन द शेप ऑफ स्पाइरल. ठीक है, तो स्पाइरल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब इट इज इक्वल टू गोल्डन रेशो जो हमारे पूरे यूनिवर्स में है. गोल्डन रेशो हम वास्तु में भी करते हैं कि वो ऑटोमेटिकली ग्रो होगा ही होगा, वो कंटिन्यू हमेशा टिल इटर्निटी वो कंटिन्यू रहेगा, वो कभी स्टॉप नहीं होगा. तो ये जो शेप है हमारे इसका एग्जिस्टेंस, जो इसका सेंटर पॉइंट आता है, हमारे भ्रमस्थान में आता है, एकदम सेंटर में नहीं आता, थोड़ा सा भ्रमस्थान की भी साइड में ही आता है. गोल्डन रेशो थोड़ा डिफरेंट है, तो इसलिए इट मींस ग्रोथ, कॉस्मिक सपोर्ट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, गाइडेंस, फोकस, विजडम, कुंडलिनी एनर्जी, बिकॉज ये हमारे नेवल चक्र से भी कनेक्टेड है. इट शोज पाथ ऑफ फोकस मूवमेंट, बिल्कुल, कि जहां पे भी हमें फोकस करके पूरी मूवमेंट करते रहना है. कब हम करते हैं फोकस करके मूवमेंट, व्हेन वी नीड ग्रोथ, वी आर डेवलपिंग समथिंग न्यू, तो हम फोकस करके अपनी मूवमेंट करते रहते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस. ऑलराइट, तो ये जो शेप है, हम अपने
सेक्रेट ज्योमेट्री में, क्रिस्टल ग्रिड्स में कब यूज करेंगे? व्हेन वी नीड ग्रोथ, जब आप कोई अपना न्यू वेंचर कर रहे होंगे, ठीक है, समथिंग न्यू जिसका हमें आउटकम नहीं मालूम होगा, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा ये काम आएगा. देन ट्राइंगल. अब ट्राइंगल बताइए हर जगह. अब ये देखिए, ये जो मैंने आपको सिंबल्स दिए हैं, ये सारे सिंबल्स एलिमेंट, ये सारे फोर एलिमेंट्स के हैं. ये आप एलिमेंट्स के सिंबल नोट कर सकते हैं. जो ट्राइंगल होता है, इट इज वेरी वेरी अगेन इंपॉर्टेंट सिंबल, ज्योमेट्रिक सिंबल होता है फॉर क्रिएटिविटी, क्रिएशन, मैनिफेस्टेशन, हार्मनी. बेसिकली इसको हम क्या कहेंगे? थ्री डायमेंशन. ठीक है, थ्री डायमेंशन सिंबल है ये, मैनिफेस्टेशन, हार्मनी, बैलेंस एंड ट्रिनिटी. और सक्सेस ग्रेड में ये सबसे ज्यादा मेन होता है. अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो हम पिरामिड एनर्जी देते हैं, तो पिरामिड हम कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इट जनरेट्स एंड क्रिएट्स एनर्जी. वन थर्ड लेवल पे पिरामिड क्रिएट करते हैं. तो व्हाट इज पिरामिड? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइंगल ओनली. वो एपेक्स क्रिएट करता है, उस एपेक्स से एनर्जी जा भी सकती है, उस एपेक्स से एनर्जी आ भी सकती है. ठीक है, एपेक्स से एनर्जी आने के बाद क्या करते हैं? अपने अंदर ट्राइंगल क्या, अपने अंदर बीचम बीच एक एनर्जी क्रिएट करता है, विच दैट एनर्जी वी कैन यूज. वो एनर्जी चारों जो सॉरी तीनों तरफ से ट्राइंगल के एकदम प्रोटेक्टेड रहती है. तो दिस ट्राइंगल शेप कैन ऑल्सो बी इक्विवेलेंट टू माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, द कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, ट्रिनिटी. ठीक है, समझ आया? और हम ये जैसे अलग अलग दिए हैं, एयर लिखा है, फायर, वाटर, अर्थ, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस हुआ? मैम ये ना सिंबल्स है, एयर का सिंबल ऐसे है कि अपराइट ट्राइंगल, उसका जो लाइन है उसको सेट करते हुए. देन फायर का सिर्फ सीधा ट्राइंगल, वाटर का नीचे. ये आपके सारे सिंबल्स हम हीलिंग में यूज करते हैं कि अगर ये सेम सिंबल्स अगर आपको वाटर एलिमेंट को एनहेंस करना है, आप ये सिंबल वहां पे बना दे तो वो वाटर एलिमेंट को एनहेंस करेगा. अर्थ का सिंबल वहां पे बनाना है, जैसे वाटर एलिमेंट एनहेंस करना है तो ये वाटर वाला डाउनवर्ड वाला हमने ले लिया. आपने ना जैसे ब्लू कलर का ये ऐसा डाउनवर्ड ट्राइंगल शेप काट के वाटर जगह पे लगा दिया, तो वाटर एलिमेंट एनहेंस हो गया. मतलब आपका सेक्रल चक्र पे, सेक्रल चक्र पे. अगर आपको सेक्रल चक्र की एनर्जी देखनी है, आप देखिए सेक्रल चक्र, देखिए सेक्रल चक्र पे ये वाला ट्राइंगल, इन्वर्टेड ट्राइंगल बना हुआ है. हाँ बना हुआ है, राइट. ठीक है, तो हम इसको मतलब अपनी बॉडी पे भी, उस पे भी लगा सकते हैं जो हम लोग पेपर पे ड्रॉ करते हैं, नहीं तो हम अपनी बॉडी पे भी लगा सकते हैं. अपने चक्रा सेट में देखेंगे, उसके अंदर आपको ट्रायंगल्स दिखेंगे. हाँ है, राइट है. ठीक है, तो आपको पता चलेगा व्हाट इज द, इसमें सर्कल भी दिखेंगे. इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक पैटर्न, सेक्रेट ज्योमेट्री. ओके ओके ओके. अब पर हम जब इसको करते हैं, जब हम सेट करते हैं, तो हम ऊपर की तरफ नहीं करते इसको? नहीं, नीचे. हाँ ऊपर की तरफ करते हैं ना. कहाँ? ट्रायंगल को हम नीचे रखते हैं कि ऊपर रखते हैं? मैम देखिए, ये आप अपना चक्रा सेट देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा. थोड़े ट्रायंगल नीचे होते हैं, जो नीचे वाले ट्रायंगल ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले ट्रायंगल नीचे, नीचे आते हैं, हार्ट पे मिलके वो पूरा एक स्टार बनाते हैं. राइट राइट राइट. तो वो हार्ट, उसको जो हार्ट पे मिलके जो स्टार बनाते हैं, सिक्स पॉइंटेड स्टार, उसको हम कहते हैं स्टार ऑफ डेविड या स्टार ऑफ सोलोमन. वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टार होता है. वो एक, हम उसको सिग्निफाई करते हैं कुंडलिनी शक्ति से. तो ट्रायंगल का महत्व तो बहुत है. इट मींस मूवमेंट. अगर हम किसी चीज पे स्ट्रगल है, आप जो हमारे एरोप्लेन देखे बंदे, उनकी शेप देखिए, आगे उनका फ्रंट आपको क्या दिखेगा? पॉइंटेड है ना, और पीछे से फिर बड़ा, मतलब एक ट्रायंगल शेप. तो ट्रायंगल मतलब क्या होता है? इट इज मूविंग फॉरवर्ड. वो सारी मुसीबतें चीरते हुए आगे जा रहा है. ट्रायंगल का बहुत ज्यादा, इट इज क्रिएटिंग स्पेस, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है. अगर आप किसी प्रोजेक्ट में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो आप ट्राइंगल यूज करेंगे. सक्सेस के अंदर हम ट्राइंगल क्यों यूज करते हैं? बिकॉज वहां पे, जहां पे भी जिस चीज में आपको सक्सेस चाहिए, यू आर